How to fix Vivo Y19 power button not working problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे यदि आपका पावर बटन काम नहीं कर रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पावर बटन यहाँ पर दोस्तों काम नहीं करने का सिर्फ दो ही वजह है। एक है दोस्तों हार्डवेयर का प्रॉब्लम। ठीक है, यदि आपका प्रॉब्लम यहाँ पर हार्डवेयरली आया हुआ है, पावर बटन हार्डवेयर से ख़राब हो गया है, तो दोस्तों पावर बटन काम करना बंद कर जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सॉफ्टवेयर क्रैश के वजह से भी यह प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इन सब को कैसे कैसे फिक्स करना है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, इसके लिए तो आप दोस्तों जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर। ठीक है, सेटिंग पर जाके दोस्तों यदि सॉफ्टवेयर क्रैश या तो फिर किसी भी इस तरह का प्रॉब्लम्स आपको आ रहा है तो दोस्तों आपको जाके सेटिंग पर, ठीक है, अपना जो कैश है उसको क्लियर करना होगा। कई बार दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो कैश है, ठीक है, वो आपके फ़ोन पे स्टोरेज पे जो है जाके स्टोर हो जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं डिवाइस पर। ठीक है, ये काम नहीं करना, वो चीज़ काम नहीं करना, तो वो सब होते रहते हैं यहाँ पर। तो रैम एंड स्टोरेज स्पेस पर जाइए, क्लियर आप डेटा पर क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लीन आप स्टोरेज स्पेस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा एम्प्टी ट्रैश करके एक ऑप्शन। ठीक है, यदि आपने कभी भी क्लियर नहीं किया है इसको तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो कैश दिखाई देगा और क्लीन अप का ऑप्शन यहाँ पर है। तो क्लीन अप पे क्लिक करके पूरा कैश को यहाँ पर क्लीन अप कीजिए। ठीक है, पूरा कैश को क्लीन अप कर लेने के साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर बैक कीजिए और चेक कीजिए अपने डिवाइस पर क्या क्या एप्लीकेशन से। यदि आपके पास कोई भी ऐसा बैड एप्लीकेशन से उनको भी अनइंस्टॉल करें। बैड एप्लीकेशन दोस्तों प्ले स्टोर के बाहर से जो आप इंस्टॉल करते हैं फोर्सफुली, वो बैड एप्लीकेशन होते हैं, डिवाइस के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, वो डिवाइस को डैमेज भी कर देते हैं। तो आपको दोस्तों उनको सिंपली अनइंस्टॉल करना है। ये सब करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है अभी भी तो दोस्तों आप जाइए अपने सिस्टम मैनेजमेंट पर। यहाँ पर दोस्तों आप जाके बैकअप एंड रिसेट को ओपन करें और दोस्तों रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके अपना सेटिंग्स को एक बार रीसेट करके देखिए। ठीक है, सेटिंग को रीसेट कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग को रीसेट कर लेना है। तो ये सब करने के बाद दोस्तों देखिए पावर बटन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है आपको वो चेक करना है। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, यदि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिस्टम अपडेट पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। ठीक है, तो ये दोस्तों सबसे मेन सॉल्यूशन है, अपना मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट आप जरूर करके देखें। तो सॉफ्टवेयर वगैरह दोस्तों यहाँ पर अपडेट कर लेने के बाद आप दोस्तों चेक कीजिए, ठीक है, आपका जो यहाँ पर पावर बटन है वो कैसे काम कर रहा है। तो इससे दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर का इशू है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। बाय एनी चांस अभी भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों आप यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है वो भी ट्राई करके देख सकते हैं और वो है दोस्तों फैक्ट्री रीसेट का। ठीक है, उसके लिए सिस्टम मैनेजमेंट पर आपको जाके ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप एंड रीसेट पर। तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाता है, इरेस ऑल डेटा। ठीक है, तो आप इरेस ऑल डेटा भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इन सब को ट्राई करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो सॉफ्टवेयर क्रश का प्रॉब्लम था तो फिक्स हो चुका है प्रॉब्लम। बाय एनी चांस अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको गारंटी देके बता सकता हूँ, आपका पावर बटन यहाँ पर काम करना बंद कर रहा है। ठीक है, तो वो हार्डवेयर का इशू है, वायरिंग का प्रॉब्लम हो सकते है, किसी भी तरह का इशू हो सकता है, आप जाके टेक्नीशियन के पास इसको फिक्स करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो डिवाइस का कस्टमर सर्विस है उसमें जाके भी आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हार्डवेयर का इशू में आपको कुछ नहीं करना है, जाके
टेक्नीशियन के पास से ही फिक्स करना होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों पावर बटन का सॉल्यूशन। पावर बटन काम नहीं करे तो आप ये सब सॉल्यूशन आजमा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों फ़ोन को आप पावर बटन के बिना भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन पे ऐसा ऐसा सेटिंग्स है जिसके मदद से आप जो है यहाँ पर फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, यह भी एक लॉक का ऑप्शन है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और आपको डबल टैप लॉक का ऑप्शन मिल जाते हैं वीवो के फ़ोन पे। ठीक है, डबल टैप करने से वेकअप हो जाते हैं स्क्रीन, डबल टैप करने से आपका फ़ोन है वो लॉक भी हो जाएगा। तो यह सब सेटिंग आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।